शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल पूजा, अनंत राज फोकस में रहेगा, एमओयू साइन किया है गूगल के साथ डेटा सेंटर को लेके, तो इस स्टॉक में जो है बड़ी रिएक्शन देखने मिल सकती है स्टॉक में आज। एंड ऑफ कोर्स अच्छी रैली ऑलरेडी अनंत राज में हमने देखी हुई है इस डेटा सेंटर के थीम के ऊपर। एच जी इंफ्रा को 709 करोड़ का ऑर्डर आया है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से। वही JSW इंफ्रा ने जो है स्लरी प्रोजेक्ट को लेके जो है एक JSW स्टील से खरीदारी की है 1700 करोड़ में। एनालिस्ट कहते हैं कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक्विजिशन हुई है, ये 20 साल का एग्रीमेंट रहेगा। NLC की बात करें तो यहाँ पे CMD ने अप्रूवल दे दिया है IPO के लिए, उनकी रिन्यूएबल्स आर्म के लिए। अब याद रखिए ये Q1 FY26 में हो सकता है। PC ज्वेलर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन टाइम सेटलमेंट दे दिया है और यहाँ पे कैश इक्विटी में ट्रांसफ़र हो सकती है और लगभग 2250 करोड़ वो ऑफर करेंगे। वेदांता को हाईएस्ट बिडर बना दिए हैं 2 मिनरल माइंस को लेके। और आखिर में टेक्सटाइल स्टॉक्स पे जो है, जो स्पेशली एक्सपोर्टर्स है उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एक सिविल अनरेस्ट बांग्लादेश में देखने मिले वो द वीकेंड जो है ये न्यूज़ फ्लो आई है। और बांग्लादेश वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है टेक्सटाइल्स का, और भारत भी जो है उस कैटेगरी में आता है, तो सिविल अनरेस्ट जो है वापस देखने लगे स्टूडेंट एजुटेशन से, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को। लेकिन याद रखिए जो ग्लोबल फ्रेट कॉस्ट है अभी भी बढ़े हुए हैं, स्पेशली जो आपके मिडल ईस्ट में के कारण। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए खबरों वाले शेयर जिस पर फोकस रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो आज कई सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास ब्रोकरेजेस की तरफ से, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज के आ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं PVR आइनॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टेक ने अभी सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1273 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पर अगर शुरुआत की देखें साल की तो एक वीक नोट पर हुई है, इसी के बाद उनका मानना है कि कहीं पर फर्स्ट हाफ जो है वो भी कहीं पर वीक ही रहेगा कंपनी के लिए, और आगे जाके क्यू में भी ये जो वीकनेस है वो आगे हमें देखने को मिल सकती है। अगर वही बात करें UBS की तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रा व्यू हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हालांकि Q1 जो था वो म्यूटेड था बट आगे जाके होप्स जो है वो सेकेंड हाफ पे रहेंगे कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं पेटीएम की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे कहीं पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 325 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन जो थे वो कहीं पे अंडर मतलब प्रेशर में ही रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और आगे जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कहीं पे सुधार जो होगा वो कहीं पे की री रेटिंग के लिए एक फैक्टर रहेगा। और इसी के बाद अगर हम जेफरीज की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 420 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे RBI का जो ओवरऑल इंपैक्ट था वो पूरा का पूरा अभी स्टेबलाइज हो चुका है, आगे जाके कॉस्ट कंट्रोल जो रहेगा एक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए की रहेगा कंपनी के लिए, और इसी के साथ साथ एक बिजनेस रिकवरी जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है आगे जाके पेटीएम में। अगली बात करते हैं ICICI लोम्बार्ड की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1260 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे कंबाइंड रेशियो की बात करें तो वो जो गिर रहा है वो एक अच्छी बात है, बट अगर हम ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कहीं पे एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और इसीलिए एक अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है। और उसी के बाद मॉर्गन स्टैनली जो है उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 2205 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके भी हमें आउट परफॉर्मेंस जो है वो स्टॉक की तरफ से देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं ITC की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस है 535 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहते नॉन सिगरेट रेवेन्यू सेगमेंट की तरफ से एक एबिट कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद जो FMCG में टेलविंड्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो कि ITC के लिए अच्छे से प्ले आउट हो सकती है, और वैल्यूएशन में अभी भी कहीं पे री रेटिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो नॉन FMCG वॉल्यूम्स है उसमें आगे जाके ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेजेस की देखें तो ये सब कंपनीज पे आज नज़र रखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन सब कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव इस पूरे अपडेट के लिए।